तो आपके सामने एक और क्वेश्चन है जो कि सिविल इंजीनियरिंग 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वो क्या आप लोग वीडियो पॉज कीजिएगा, उसके बाद ट्राई कीजिएगा तो पता चल जाएगा क्या कन्फ्यूजन आप लोग के पास क्रिएट होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो एक बार जरूर वीडियो पॉज करके बनाइएगा। तो चलिए देखते हैं, फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ए बी सी व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पूछा जा रहा है, इफ लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी इक्वल्स टू जीरो। ये गिवन दे चुका है, ये गिवन है, लॉग ए प्लस लॉग बी का वैल्यू दिया हुआ है और ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पूछा जा रहा है, जहाँ पर ये बोला गया है कि ए बी सी ये जो वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, बस इतना ही है क्वेश्चन में। तो चलिएगा देखते हैं क्या लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ ये सम के फॉर्म में, एडिशन के फॉर्म में है, तो लॉग एम प्लस लॉग एन जो होता था वो लॉग एम इंटू एन होता था, और यहाँ पर लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी है, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में लॉग ए इंटू बी इंटू सी। इसको हम लिखेंगे लॉग ए इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से आएगा ए इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू 10^0 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1। therefore a into b into c equals to 1। a into b into c आया और हमसे पूछा जा रहा है a plus b plus c, जहाँ पर log, जहाँ पर a b c क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, ठीक, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स नॉन नेगेटिव है, मतलब ये कि जो नेगेटिव नहीं हो, जो नेगेटिव नहीं हो, तो नेगेटिव नहीं होगा वो कौन कौन से इंटीजर्स है जो कि नेगेटिव नहीं है, तो 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, ये हुए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। कोई कोई ये समझ लेता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स, और वो 1 से स्टार्ट कर देता है, तो नॉन नेगेटिव मीन्स ऐसा नहीं कि पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव मीन्स जो नेगेटिव नहीं है, तो 0 जो है 0 ये भी तो नेगेटिव नहीं है, नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन इंटीजर तो है, नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। तो क्वेश्चन सिर्फ ये बोला है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जो नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव 0 भी है जो कि नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव बोले या फिर नॉन पॉजिटिव बोले, 0 दोनों में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो ए इंटू बी इंटू सी के जगह पर 0 तो ले नहीं सकते हैं, और इंटीजर्स में कोई फ्रैक्शन भी नहीं आता है, तो यहाँ पैसा नहीं कि ए का वैल्यू 1/2 ले लेंगे, फिर बी 2 ले लेंगे, फिर सी कुछ और ले लेंगे 1 ले लेंगे, सबका वैल्यू 1 आ जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक। तो इंटीजर्स इंटीजर्स लेना है तो 2 × 2 × 2 करेंगे तो फिर 2 × 3 कुछ भी इधर 1 नहीं आने वाला, सिर्फ एक 1 ही ऐसा है इंटीजर्स जिसको कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करें 1 × 1 × 1 तो ये 1 है, यानी ए का वैल्यू 1 हो गया, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1। अब हमको फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 + 1 + 1 इक्वल टू 3। 3 ऑप्शन नंबर ए में, ये है इसका आंसर, ठीक है। तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग के सामने फिर एक और क्वेश्चन है जो कि दिख रहा है, ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है इसी ब्रांच में 2016 में और सी एस ब्रांच के 2018 में। तो क्वेश्चन है कि इफ पी इंटू क्यू इंटू आर डज नॉट इक्वल टू 0, पी टू दी पावर माइनस एक्स इक्वल टू 1/q, क्यू टू दी पावर माइनस वाई इक्वल टू 1/r, क्यू टू दी पावर माइनस वाई इक्वल टू 1/, ये मिस्टेक से लिखा चुका है, आर टू दी पावर माइनस जेड इक्वल टू 1/p। What is the value of the product x, y, z? Option A में -1 है, B में 1/p into q into r है, C में 1 है, D में pq r है, ठीक। और ये क्वेश्चन पूछा गया EC 16 में और CS 18 में। तो देखते हैं, p to the power minus
एक्स इक्वस टू वन बाय क्यू। इसको हम लिख सकते हैं वन बाय पी टू द पावर एक्स, ये पी टू द पावर माइनस एक्स है, इसको हम जैसे नीचे लाएंगे तो वन बाय पी टू द पावर एक्स इक्वस टू वन बाय क्यू हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ से पी टू द पावर एक्स इक्वस टू क्यू हो जाएगा। था क्या पी टू द पावर माइनस एक्स तो वन बाय क्यू, पी टू द पावर एक्स तो क्यू हो गया। एक को कर लिए अब सब ऐसे ही हो जाएगा, क्यू टू द पावर माइनस वाई है तो वन बाय आर, यानी कि क्यू टू द पावर वाई हो जाएगा आर। ठीक, लास्ट है आर टू द पावर माइनस जेड इक्वस टू वन बाय पी, तो आर टू द पावर जेड इक्वस टू पी हो जाएगा, पी क्यू आर कुछ इस तरह से आ चुका है। हमको चाहिए क्या एक्स, ऐसे प्रोडक्ट एस वाई एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट चाहिए, मतलब कि एक्स इंटू वाई इंटू जेड चाहिए। तो एक्स इंटू वाई इंटू जेड, यहाँ एक्स वाई जेड पावर में दिख रहा है तो इंटू में लाना है, पावर में दिख रहा है इंटू में लाना है, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लाना है, मतलब सबसे पहले कि पावर से हटाना है। पावर से हटाने के लिए क्या करते हैं, तीनों में बोथ साइड लॉग यूज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा लॉग यूज करेंगे, लॉग पी टू द पावर एक्स इक्वल टू लॉग क्यू हो जाएगा, इसमें लॉग यूज करेंगे लॉग क्यू टू द पावर वाई इक्वल टू लॉग आर हो जाएगा, यहाँ पर लॉग आर टू द पावर जेड इक्वल टू लॉग पी हो जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पर पावर के फॉर्म में है पी टू द पावर एक्स, तो लॉग एम, लॉग एम टू द एन क्या होता है, लॉग लॉग एम टू द एन क्या होता है, एन टू द पावर एन, एन इंटू लॉग एम हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स इंटू लॉग पी इक्वस टू लॉग क्यू, इतना आ गया। अच्छा, यहाँ से क्या हो जाएगा वाई इंटू लॉग क्यू इक्वस टू लॉग आर हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा जेड इंटू लॉग आर इक्वस टू लॉग पी हो जाएगा। तो हमको चाहिए क्या एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो सब यहाँ पर एक्स अलग है वाई अलग है और जेड अलग है, तीनों को तीनों इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा एक्स इंटू लॉग पी है इंटू, पहले एल एच एस को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू लॉग पी, तो वाई इंटू लॉग क्यू, वाई इंटू लॉग क्यू, जेड इंटू लॉग आर। आर एच एस में क्या है इक्वल टू लॉग क्यू इंटू लॉग आर इंटू लॉग पी, लॉग क्यू इंटू लॉग आर इंटू लॉग पी। तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड इंटू लॉग पी लॉग क्यू लॉग आर इंटू में है, इसको हम लिख सकते हैं लॉग पी प्लस लॉग लॉग पी इंटू लॉग क्यू इंटू लॉग आर लॉग पी इंटू लॉग क्यू इंटू लॉग आर इक्वल टू, इधर भी लॉग पी क्यू आर है तो लॉग पी इंटू लॉग क्यू इंटू लॉग आर, ये पूरा खत्म। तो एक्स इंटू वाई इंटू जेड क्या बचा है यहाँ पर वन, ऑप्शन में वन है।